नमस्ते, कैसे हैं सब? ठीक है? हाँ हाँ, जलेबी के साथ रबड़ी भी तैयार है। अरे आप डुबो डुबो के खाना। सुनो, दूल्हे का कमरा किस तरफ है? ऊपर टॉयलेट के बाजू में। टॉयलेट के? दूल्हे तुम हो, इस शादी से खुश हो? क्या तुमने कभी क्लोरोफॉर्म सूंघा है? सूंघो, मजा आएगा। ये कौन है? कार में बैठो, जल्दी बैठो। मैं नहीं बैठूंगी। अरे बैठो। लड़की वाले तो बारात में बंदूक लेकर आ गए। वो लोग गोलियां क्यों चला रहे थे? और ये आदमी कौन है? और मुझे अपने साथ क्यों ले आए? अगर पापा को पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूं तो। मैंने तमाशा खड़ा करके शादी के सीन को वॉर का सीन बना दिया। तुम घर जाके पापा से कहना हमने एक शादी का बैंड बजाकर दूल्हे को किडनैप कर लिया। तुम क्या पागल हो गए हो? तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। शादी ना होने की वजह से डिप्रेशन में आके उसने सुसाइड कर लिया तो इस गलती के लिए तुम जिंदगी भर पछताओगी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम होगी बद्दू। कीर्ति, क्या बात है बद्दू? तुम इतनी घबरा गई? मैं बहुत डर गई थी कीर्ति। एक तो सेटिंग करा, ऊपर से चाटा खा। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। थैंक्स किस लिए? बद्दू, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। प्रसाद, इन्हें लेके जा। थैंक्स। चल 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 चल, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, चल। प्रसाद, उसने मुझे क्यों थैंक्स कहा? वो तुम्हारी फ्रेंड है। उसने तुमसे कई बार कहा था कि उसकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। उसके बॉयफ्रेंड की आज किसी और से शादी हो रही थी, तुमने तो उसकी बात सुनी नहीं। वो बेचारी आज सुसाइड करने की सोच रही थी, और अगर आज इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया होता तो तुम बहुत पछताती और जिंदगी भर खुद को जिम्मेदार मानती। मैंने ये सब अपने लिए नहीं किया है। आज अगर पुराना बाबू होता ना तो तुम्हारी दोस्त एक लड़के के लिए आत्महत्या करिए सुन के कान के नीचे बजा के देता। पर अब मैं खुद को उसकी जगह पर रखकर देखता हूँ, सोचता हूँ तुम्हारी शादी किसी और से। तो किसी का बाप या दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर पाती। पद्दू कीर्ति कीर्ति कर रही थी, इसीलिए तुम्हें ले आया। सच बताता तो तुम मेरे साथ कभी नहीं आती। समझ में नहीं आता लड़कियों के दिमाग में चलता क्या है। वैसे भी मेरी लाइफ में दो ही लेडीज हैं, एक मेरी माँ और तुम। घर नहीं जाना क्या? रोज मुझे क्लास में डिस्टर्ब करता था, आज आया ही नहीं। रोज कॉरिडोर में भी मिलता था, आज वहाँ भी नहीं आया। आज वो डिस्टर्ब करने नहीं आया, अच्छा है ना? तुम परेशान क्यों हो रही हो? अरे मैं तुम्हें गुड न्यूज देने के लिए यहाँ बैठा हूँ और तुम उसी के बारे में सोच रही हो। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कीर्ति। फोन पे हूँ पापा। ए,
आज सुबह से हम दोनों मिले ही नहीं। तुम्हारी दोस्त की शादी की तैयारी कर रहा था। अगर ये बात थी तो पहले क्यों नहीं बताई मुझे? मैं कब से तुम्हें गुड न्यूज देना चाहता हूँ। तुम किससे बात कर रही हो? फ्रेंड है पापा। हेलो, मुझे ये बताओ मैंने पापा से झूठ क्यों बोला? तुम्हारा नाम क्यों नहीं बताया? जब प्यार हो जाता है ना तो इंसान झूठ बोलता है। मैं आखिर प्यार में किसी से झूठ क्यों बोलूं? मैं झूठ नहीं बोलूंगी। समझ गए? किसका पद्दू का है पापा। डिस्टर्ब हो गई हो ना? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि पहली बार जब तुम्हें चांटा मारा था तब तुमने कहा था तुम डिस्टर्ब हुए, पर मैं नहीं हुई। तुमने मेरे लिए कॉलेज ज्वाइन किया, मैं तब भी डिस्टर्ब नहीं हुई। पद्दू को जब एक लड़की ने छेड़ा तुमने तब उसकी हेल्प की, पर जब पता चला उसने मुझे छेड़ा था तुमने उसे सबक सिखाया, मैं तब भी डिस्टर्ब नहीं हुई। मेरे पापा तुम्हारी वजह से बहुत डिस्टर्ब हैं, पर मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। तुमने मेरी फ्रेंड की शादी कराने में मदद की, पर मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। आज तुम सारा दिन नजर नहीं आए, मैं डिस्टर्ब नहीं हुई। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि मैं बार बार ये कहते हुए क्यों डिस्टर्ब हो रही हूँ कि मैं अभी तक डिस्टर्ब नहीं हुई। आई लव यू कह के मुझे भी डिस्टर्ब कर दो ना। आई एम सॉरी, मुझे आज समझ में आया कि पिछले 2 महीनों से तुम्हारे ऊपर आखिर क्या गुजर रही थी। तुम मेरे पास आ रही हो या मैं तुम्हारे पास आऊं? नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी। जब मुझे देखो तो गले लगाने से मत रोकना। मुझे देखते ही गले लगा लेना, मैं तुम्हें बाहों में उठा लूंगा और फिर कोई डुएट गाएंगे। हे, मैं आऊंगी पर अभी नहीं, पापा घर पर हैं, कल सुबह 9 बजे। मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता, मैं तो अभी आ रहा हूँ। इतनी हड़बड़ी मचाना अच्छा नहीं होता बाबू। इतने दिन मेरी हाँ सुनने का इंतजार किया है तुमने, बस एक रात और कर लो। हर पल ये महसूस करोगे कि तुम पल पल मेरे पास आकर मेरा हिस्सा बनती जा रही हो, ठीक है ना? हेलो, क्या हीरो, पहचान कौन, पार्टी या पिटाई? 10 भाड़े के नए पहलवान रखे हैं मैंने, हर एक को महीने का 50,000 पगार है। टोटल 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्या है ना, अपन का ईगो के सामने 5 लाख चिल्लर माफी है। वही 10 पहलवान तेरी झमिया को उठा के मेरे पास लाए हैं। हे, तुझे तो मैं उधर खोटा मत चिल्ला, तू इधर को आ जा, तेरा पूरा चिल्लाट अपन तबीयत से निकालेगा। बहुत शौक है ना तेरे को पार्टी मनाने का। इस बार पार्टी के साथ साथ मुजरा भी होगा। सिर्फ मेरी है। अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठा के देखा तो मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा।
अगर किसी ने इसके पास आने की, इसे छूने की या इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। भाई तुमने तो अपन लोगों को चार ही प्रॉब्लम बताई थी, ये पांचवी कहां से पैदा हो गई? रात भर जागकर उस पल का इंतजार किया जब कीर्ति मुझसे आई लव यू कहेगी। सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई और बंदा मेरे सामने कहेगा कि वो उससे प्यार करता है। उस बंदे ने मुझे सातवें आसमान से जमीन पर पटक दिया।